गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास सेवन्थ हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट कंप्यूटर, 21 डेज। आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स इन विंडोज XP। कल हमने बात की थी कि हम डेस्कटॉप पे कैसे फाइल को ओपन करते हैं। आज हम बात करते हैं डेस्कटॉप पे आप किस प्रकार न्यू फोल्डर को बना सकते हैं। उससे पहले एक सूचना, आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। बात करते हैं आप न्यू फोल्डर किस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपके सामने डेस्कटॉप ओपन हो जाती है। डेस्कटॉप पर आपको करना क्या है, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप माउस की सहायता से, जो दाया बटन है माउस का, उससे आप क्लिक करते हैं। जैसे वो कि आपका माउस पॉइंटर है और जो भी आपका खाली जगह है उस पर आप माउस की सहायता से क्लिक करते हैं। उसके बाद क्लिक करने के बाद एक मेन्यू ओपन होती है न्यू के नाम से। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने एक फिर से सब मेन्यू ओपन हो जाएगी फोल्डर। इस प्रकार आप एक फोल्डर बना सकते हैं। और जैसे आपने फोल्डर पर क्लिक किया वो आपसे पूछेगा नेम, और नेम क्या कर दोगे आप कुछ भी जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है आप वो नेम टाइप कर दोगे। जैसे मैंने टाइप किया है राहुल। इस तरह से आपका कोई भी नया फोल्डर डेस्कटॉप पर तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो ब्लैंक, जो खाली स्थान है, आपको उसी पर क्या करना है, माउस की सहायता से क्लिक करना है। बात करते हैं, कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था किसी फोल्डर से, जो पहले वाला फोल्डर है अगर मुझे उस पर जाना है तो मैं क्या करूँगा। मुझे टूल बार के ऊपर जो अप बटन है, जो आप देख रहे हैं इस तरह से होगा, एक एरो सा हो जाएगा, उस पर क्या करूँगा, मैं क्लिक करूँगा। इस प्रकार जो भी मैंने फोल्डर खोला हुआ है और जो फोल्डर से मैंने पहले वाला खोला हुआ था, मैं उस पर जा सकता हूँ। ये वर्क आपको अच्छे से करना है, और जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे ये वर्क आपको लैब में करवा दिया जाएगा। थैंक यू।